الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداوت المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات ما هي मुबारक रजब और ये जुमाए मुबारक नूरन अला नूर बहुत ही बड़ी इबादतों की बहार का महीना है यानी शुरू हो गया है स्पिरिचुअल सीजन जिसको कहें रूहानी एनवायरनमेंट जिसको कहें ऐसा अंदाज अल्लाह ने प्रिपेयर करने के लिए ताकि एक इंसान सही मानों में शहरुल्लाह अल मुबारक माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हो सके प्रिपरेशन के लिए अपनी आमादगी के लिए अपनी तवज्जो के लिए अपने आप को इस्लाह करने के लिए अपनी इस्लाह भी करनी है अपनी खुदसाजी भी करनी है सेल्फ बिल्डिंग अपनी भी करनी है तकवे परवरदिगार कि जो बेहतरीन ज़ादे राह है उससे बढ़कर कोई ज़ादे राह नहीं है तकवे इलाही से जो सरशार नहीं है वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है खास जितने बड़े अच्छे अमल करता है तकवा यानी ये है वो प्रोटेक्टिव शील्ड जिसको कहा जाए वो तकवा है इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन अल्लाह अमीरुल मोमिनीन भी इमाम भी इमाम उन्हीं के हैं कि जो साहिबान तकवा है आप क्या कहते हैं इमामुल मुत्तकीन मुत्तकीन के इमाम हैं यानी अगर मौला अमीरुल मोमिनीन की इमामत में किसी ने आना है तो उसे तकवा इलाही को इख्तियार करना पड़ेगा अगर उनकी अमारत में किसी को आना है तो फिर ईमान रखना पड़ेगा बगैर उनकी यानी ईमान के बगैर तकवा के बगैर इंसान किसी स्टेज का नहीं है किसी मंजिल का नहीं है और तकवा को हासिल करने के लिए तकवा के हुसूल के लिए उसको ऑब्टेन करने के लिए
यानी ये मराहिल बाद के हैं कि इंसान आ जाए, जितने इंसान के आमाल हैं, और उसके लिए चाहिए ये कि माह मुबारक रजबुल मुरजब के जो एक माह माह विलायत है, विलायत का महीना है, इमामत का महीना है, कुल ईमान का महीना है, और वो साज, वो जिंदगी, वो तरीके कार के जो मौला अमीरुल मोमिनीन असल में इस महीने को इस कदर मुहिम है ये महीना कि हत्ता वो लोग एक दफा कयामत के दिन आवाज दी जाएगी, ऐना रजबियों, अहले रजब कहाँ हो, आ जाओ अहले रजब। अहले रजब के लिए एक बाकायदा डिस्टिंक्शन है, इम्तियाजात हैं अहले रजब के लिए, और ये रजब भी वो महीना है कि जो बिलखसूस सरबाज़ान इमाम ज़मान अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ, उनकी भी खसूसी तवज्जो का ये नहीं महीना है। या लल अजब बैन जमादी व रजब, हाँ एक बड़े अजीब व गरीब किस्म के अहवाल खुद रजब में वाके होंगे, बैन जमादी व रजब। इस लिहाज से तज़किए नफ्स, इंसान खुद अपना मुहासिबा करे, इंसान से बेहतर अपनी शख्सियत को खुद कोई भी नहीं जानता, जितना मैं अपने आप को जानता हूं इतना आप थोड़ा जानते हैं, जितना आप खुद अपने आप को जानते हैं इतना कोई भी नहीं जानता है। नल इंसान आला नफ्सी ही बसीरा, वो अपनी जात को बेहतर अंदाज के साथ जानता है। हर एक इंसान सौदा भी देख सकता है, खामखा तवज्जो की नहीं, फलां जन्नती है, फलां ये है, फलां वो है, खुद जरा इंसान गौर करे कि मैं क्या हूं, उसे खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं। यानी कि कोई इतनी इंसान अगर चाहता है कि टेस्ट करे, एग्जाम करे, अपने इम्तिहान लेना चाहे, तो उसे खुद तवज्जो करनी चाहिए कि मैं खुद क्या हूं, और वो अपने आप को सबसे बेहतर जानता है। यही चीज है तज़किए नफ्स के लिए कि सबसे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लैस मिन शियातिना, वो हमारा शिया नहीं है। शिया को लफ्जों का खेल थोड़ा है कि मैं कह दूं मैं शिया हूं तो बस शिया हूं। शिया के लिए इंसान को अब तैयार करना पड़ता है अपने आप को, शिया नहीं, शिया आल मोहम्मद बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये तो फखर है इंसान को कि शिया आल मोहम्मद बन जाए, वरना शिया अगर हकीकी मानों में शिया को देखना चाहते हैं तो बहुत सारे नाम से नहीं शिया जाते हैं। इसी तरह एक दरवाजा, एक शख्स ने जब नौ किया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, दरवाजे को नौ किया, इमाम ने पूछा कौन, कहा या इब्न रसूलल्लाह आपका शिया, मैं नहीं, दरवाजा नहीं खोला। दूसरे दिन मिला, कहता अजब हो गया, किबला मौलाना आगा या इब्न रसूलल्लाह फरजंद रसूल हमारे मौला आका इमाम, कल आपकी ज्यारत के लिए क्या हो रहा, आपने दरवाजे ही नहीं खोला। इमाम ने फरमाया इसलिए कि तुमने झूठ बोला था, तू हमारा शिया नहीं है, तू हमारा मोहिब है। हमारा शिया बहुत अजल हुआ करता है, हमारा शिया अगर हुक्म दे पहाड़ को अपनी जगह से हरकत करे वह हरकत कर देगा। हमारा शिया 5,000 की आबादी उसमें एक भी रहता हो सब लोगों को पता होगा वो शिया आले मोहम्मद। इस तरह शिया बनना, शिया, और फिर आप देखते हैं जितने मैसेजेज आपको देख रहे हैं आइमे मासूमीन के सारे शियों के लिए हैं, जो अहले शिया हैं उनके लिए। मसलन अगर आप चले जाएं